वेलकम बैक टू SM Incubators दोस्तों। SM Incubators में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए 5000 का सेटर और 1700 का हैचर, यानी कि आप इसमें एवरी वीक 1700 एग्स लगा सकते हैं, यानी कि 1700 अंडे लगा सकते। आप एवरी वीक 1700 एग्स डाल सकते हैं, यानी कि 1700 अंडे डाल सकते हैं। इस मशीन के लिए आपको पर डे हर दिन के 240-250 एग्स होने जरूरी है। इस मशीन के लिए आपको 200-250 अंडे पर डे होने बहुत जरूरी है। तो ये आप ऐसी बड़ी मशीन ले सकते हो, देख सकते हो। ये 5000 का सेटर है, 5000 भी नहीं है, 5100 कैपेसिटी का है। 5000 पे 100 हमारी SM Incubators की तरफ से आपको फ्री मिलता है। और ये आपका है 1700 का हैचर, यानी कि 1700 अंडे का हैचर है और 5100 कैपेसिटी का सेटर है। ये थोड़ा अलग प्लेटफॉर्म पे बना है, इसका टर्निंग जो रैक है थोड़ा डिफरेंट टाइप में बनाया है, आपको दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 5100 कैपेसिटी का सेटर है और ये है 1700 का हैचर। दोनों की वर्क लाइट हमने ऑन रखी है। बाहर बारिश का काफी जोरदार मौसम है, आप देख सकते हो पूरा बारिश, इतना ज्यादा बारिश हो रहा है कि बहुत पानी हो गया सब जगह। बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण से हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ा धीमे चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये हमारा देखेंगे तो ये आपको हैचर है, मैं आपको इसका ओवरऑल व्यू बताता हूँ। ये देखिए मशीन का फ्रंट साइड है, इसमें पूरा पैनल आता है, इसमें हैचर बनाया है। इसमें देखिए हैचर में ये प्राइमरी हीटर है, ये सेकेंडरी हीटर है, ये एग्जॉस्ट है, हाई टेम्परेचर होने पे ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट करता है, वर्क लाइट है और ये ह्यूमिडिटी के लिए है। ये ह्यूमिडिटी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए इसमें RTD PT 100 सेंसर लगा है। ये सेंसर बहुत ही हेवी होता है इंक्यूबेटर्स के लिए, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए। उसके बावजूद हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर लिए दिया है, आप देख सकते हैं मशीन खाली 3.5 एम्पियर का लोड ले रहा है। पूरा मशीन ऑन होने के बाद 3.5 एम्पियर का लोड ले रहा है, मतलब उसमें वर्क लाइट भी ऑन की है। हम वर्क लाइट बंद करेंगे तो और एम्पियर कम हो जाएंगे। आप देख सकते हो ये मशीन का फ्रंट साइड है, बैक साइड से हम आपको दिखाना चाहेंगे। बैक साइड से देखिए आप मशीन कैसा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए बैक साइड से मशीन कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सोलेनाइड वाल लगाया है, यहाँ देखो यहाँ पे एग्जॉस्ट वेंट लगाए हैं, आप देख सकते हैं। ये आप आपके जरूरत के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठंड ज्यादा होने के कारण, मतलब बाहर का टेम्परेचर कूल होने के कारण आपको थोड़ा ही ऑन रखना है। ये सोलेनाइड वाल दिया है, ये ऑटोमेटिक मशीन के अंदर पानी ले लेता है, आपको मैन्युअली कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, पीछे से ड्रेन भी कर देता है। ये BLDC टेक्नोलॉजी में बनाया हुआ हैचर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैन्युअल एडजस्टमेंट दिया है, आपके जरूरत के हिसाब से आप उसका एग्जॉस्ट चेंज कर सकते हो। अभी मैं आपको ह्यूमिडिटी भी ऑन करके बता रहा हूँ। ये देखिए मशीन के अंदर कैसा पानी जाता है इनसाइड में, देखिए हमने थोड़ा स्लो रखा है, आपको फास्ट करके बताते हैं। ये देखिए इस तरीके से मशीन में पानी जाता है, देखो इनसाइड में ऑटोमेटिकली जाता है, हमें मैन्युअली नहीं करना है। लेकिन हमने इसमें थोड़ा स्लो पानी रखते हैं ताकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना बन पाए। और पीछे से ड्रेंड भी होता है, मैं आपको ड्रेंड होते समय पीछे से बताऊंगा। ये देखिए बैक साइड से पानी, जो ह्यूमिडिटी बना है उसका पानी बाहर निकल जाता है, देखिए इसका पानी निकल रहा है। तो ये BLDC टेक्नोलॉजी में ये फायदा होता है, ये ह्यूमिडिटी प्रॉपर बनाता है और इसका एक्यूरेसी काफी हद तक सही होता है। मतलब आप इसमें 0.1 का डिफरेंट देख सकते हो, उससे ज्यादा डिफरेंट इसके टेम्परेचर में उससे ज्यादा नहीं होता है। मैं आपको इसका डोर ओपन करके बताता हूँ। इसको लेफ्ट हैंड साइड में विंडो आता है, मशीन का राइट हैंड साइड हुआ, मेरा लेफ्ट हैंड साइड में विंडो हुआ। और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे हैचिंग ट्रे लगे हैं, आप देख सकते हो ये टोटल हैचिंग ट्रे 1800 कैपेसिटी के हिसाब से है, लेकिन हमें तो 1700 ही एवरी वीक। मैं
हैचिंग के लिए। और ये इसका वेडेबल सिस्टम है, यहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपको इनसाइड शो करता है, वहाँ पे इंक्यूबेटर का कंट्रोल सेटिंग शो करता है। तो इस हिसाब से इस मशीन का पूरा ओवरऑल व्यू है। ये इसके साथ ये दोनों मशीनें आती हैं, आप ये मशीन लोगे तो उसके साथ ये हैचर भी आता है। ये इजी टू मूव होता है, आप यहाँ से वहाँ आप मूव कर सकते हो, आपको यहाँ से उधर लेके जाना है आप यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। खाली ये इसका सेटर काफ़ी हेवी होता है, उसके लिए 8 से 10 लोगों की ज़रूरत गिरती है, ताकि ये 700 kg के अराउंड आता है ओनली फॉर सेटर। और ये हैचर देखने जाओगे तो 130 kg के अराउंड आता है। तो आप देख लीजिए ये हैचर है, मैं अभी आपके सेटर की ओर लेके आता हूँ। ये देखिए अभी इसको डोर क्लोज करते हैं, देखिए पूरा डोर क्लोजिंग सिस्टम है। डोर हैंडल्स भी काफ़ी हेवी क्वालिटी के यूज़ करते हैं ताकि उसका डोर क्लोजिंग अच्छा हो। ये हम आ गए सेटर की ओर, ये सेटर आप देख सकते हो, सेटिंग का मैं इसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे भी आपको वोल्टेज शो करेगा और एम्पियर शो करेगा। वोल्टेज और एम्पियर का हमने इसलिए रखा है कि हर किसानों के पास वोल्टेज सही नहीं हो पाता, तो 200 के नीचे वोल्टेज हो तो मशीन में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसके लिए हमने वोल्टेज इंडिकेशन प्लस एम्पियर इंडिकेशन दिया है। अभी इसमें हमने कोई भी लोड नहीं दिया है, इसके लिए ये एम्पियर नहीं बता रहा है। आप देख सकते हैं कोई भी लोड नहीं दिया है, हैचर की तरह ही है। अभी इसका आइडल जो पोजीशन है वो हैचर की तरह ही है। इसका ये देखिए ये प्राइमरी हीटर है, ये सेकेंडरी है, ये ह्यूमिडिटी है, देख सकते हैं आप अच्छे से देखिए, इसमें टेम्परेचर शो कर रहा है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी शो कर रहा है। इसका प्राइमरी हीटर है, सेकेंडरी है, ह्यूमिडिटी, वर्क लाइट, टर्निंग, ये सभी दिया है। वहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको मैनुअल टर्निंग का स्विच दिया है, आप उसके हिसाब से मैनुअल टर्निंग आपके ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे एडजस्टेबल वेंट दिया है, आप देख सकते हैं। अभी देखेंगे हम दोनों इस मशीन को, दोनों साइड विंडोज आती है और दोनों साइड डोर हैंडल आते हैं, आप देख सकते हैं। दोनों डोर हैंडल ओपन करने के बाद इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हो। अभी मैं उसका बैक साइड का फैन बंद कर देता हूँ ताकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज आता है, उसका आपको मैं क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं पाएगा, इसलिए इसको फैन को बंद कर दिए। ये देखिए मशीन मेरे लगभग मेरे हाइट का है, आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक मेरे हाइट का। इसमें मैं पूरा अंदर चल सकता हूँ, घूम सकता हूँ। इसका जो बेस है वो काफ़ी हेवी आता है, आप देखिए मैं मशीन के इनसाइड में हूँ, खड़ा हूँ, और मैं इसमें कूद भी सकता हूँ तो भी कुछ नहीं होगा। इसका काफ़ी हेवी इसमें बनाया जाता है इसको, ताकि इसका ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छा हो। आपको पता होगा इसका बेस अच्छा होगा तो ही आपका मशीन का स्ट्रक्चर अच्छा होता है। ऐसी मशीनों में आपको बेस काफ़ी हेवी बनाना पड़ता है तो ही आपको इसमें आपका ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा रह सके। इसमें देखो अंदर के साइड में आप देखोगे तो 4 सिरेमिक हीटर लगाए हैं, स्पिंडल गन्नी रिंग गन्नी गार्ड वाला सिस्टम लगाया है जो एयर फ्लो काफी अच्छे से मेंटेन कर सके। उसके बाद ये हमारा इसमें वेट बल्ब वाला सेंसर लगाया है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए। ये जो सेंसर है ये एक्यूरेट होता है, ये देखो वेट बल्ब किया है इसको, अभी ये ह्यूमिडिटी शो करेगा और ये टेम्परेचर शो करेगा। इसमें डेली पानी फिल करना है और ये आपको इनसाइड वाला वेट बल्ब आता है। ये दोनों इसको देखिए आप, डोर हैंडल्स को, दोनों हैंडल्स को ऐसी पट्टियां होती है और डोर लॉक होते हैं, ऐसा कोई ट्रॉगल नहीं लगाते हम। हम पूरा एक्यूरेट डोर हैंडल यूज करते हैं, ये भी काफ़ी कॉस्टली आते हैं, ऐसे नहीं मार्केट में लोकल में मिलते हैं। खास इंक्यूबेटर्स के लिए बनाए हुए ये डोर हैंडल्स है, ये उस हिसाब से आते हैं। आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग्स और किस हिसाब से बनाया है। मैं आपको इसका देखने गए तो ये इसका टोटल वाटेज है, ये 2000 वाट का है, 2000 वाट का ये मशीन है, और ये मशीन आप देखोगे तो ये 800 वाट का है। तो आपका दोनों मिला के 3 kVA का लोड होना बहुत ज़रूरी है। और इसको आप सोलर पे चलाना चाहते हो, यानी सोलर इलेक्ट्रिसिटी पे चलाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको मिनिमम 6 kVA का सोलर होना ज़रूरी है, तो आपको 10 से 12 घंटे का बैकअप आसानी से मिल जाएगा। तो इसका मैं मशीन के बैक साइड में आपको बैक साइड से दिखा देता हूँ। इसमें बेल्ट सिस्टम लगा है, आपको दिखाना चाहूँगा, आइए मैं आपको बैक से दिखाता हूँ। ये देखिए इसका बेल्ट सिस्टम यहाँ पे लगा है, आप देख सकते हैं, देखिए बेल्ट सिस्टम लगाया है और बेल्ट मोटर वाला सिस्टम लगाया, 1/3 का मोटर लगाया है उसमें, जो ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है काफ़ी आसानी से। और उसमें पीछे NCP बॉक्स दिया गया है मशीन में, तो NCP बॉक्स में आपको पावर का NCP और अलग से आते हैं,
हमने अभी इंटर के एनसीपी बंद करके रखे हैं, तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से इसका मशीन पूरा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। थोड़ा इसका पहले से काफ़ी थोड़ा मशीन कॉम्पैक्ट हुआ है, पहले इसका हाइट बहुत ज़्यादा आता था, इसमें इस टाइम थोड़ा हाइट थोड़ा डिक्रीज कर दिया है, ताकि इसका जो न्यू टेक्नोलॉजी वाला ट्रॉली बनाया है हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए इसका न्यू टेक्नोलॉजी वाला ट्रॉली आपको दिखाऊंगा, तो देख सकते हो अब इसका न्यू टेक्नोलॉजी का ट्रॉली है और बहुत कॉम्पैक्ट ट्रॉली है। आप देख सकते हैं ये 5000 का ट्रॉली न्यू इन्वेंशन्स ने बनाया है। आप देख सकते हो आपको कैसे लगा, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो आपको इसका कैसे लगा। आपको तो मालूम ही होगा बहुत सारे प्रोडक्ट कॉपी भी हो जाते हैं और हम नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में काम करते हैं, तो कोई कोई देख के ऐसे बना लेते, तो आप ऐसा देख के बना सकते हो और ऐसा ट्रॉली डिज़ाइन कर सकते हो। आप देखिए कितना बढ़िया इसमें लीनियर एक्चुएटर्स के माध्यम से यूज़ किया गया है और बहुत ही हेवी एक्चुएटर लगाया गया है इसमें जो 45 डिग्री टर्न करता है। तो मैं आपको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से मैं आपको पूरा ट्रॉली दिखाना चाहूँगा। देखिए कितना कॉम्पैक्ट सा ट्रॉली है और ये 5000 कैपेसिटी का, 5100 मतलब 5100 कैपेसिटी का आपका ये सेटिंग ट्रॉली है। इसमें आप एवरी वीक 1700 अंडे लगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और मैं अभी आपको मशीन के इनसाइड में ये ट्रॉली फुल करके बताऊंगा। ये देखिए ये मशीन में हमने दो ऊपर रखने के लिए रैक दिए हैं, आप देख सकते हैं ये हमने पीछे कर देने हैं, ये आपका रैक हो गया। और इसको देखिए आप इजीली इजी टू मूव कर सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इजी टू मूव कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। यहाँ पे हमने हाथ पकड़ने के लिए रखा और इजी टू मूव कर सकते हैं, एक आदमी भी आसानी से इसको अंदर डाल सकता है और आसानी से अंदर मूव कर सकते हैं। मशीन का ट्रॉली पूरा लोड हो गया मशीन के अंदर और पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया। तो आपको इसके बाद इसको इनसाइड में ये प्लग खाली प्ले कर देना है, आपका ऑटोमेटिक टर्निंग ये स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक 45 डिग्री टर्निंग आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक 45 डिग्री में आपके एक स्क्रू टर्न कर देता है। देखिए 1 आवर्स ये बाजू टर्न रहेगा, 1 आवर्स वो बाजू रहेगा, आपको मैनुअल टर्निंग करके बता रहे। ये देखिए मैनुअल टर्निंग ऑटोमेटिक वहाँ पे जाके रुक जाएगा। ये न्यू टेक्नोलॉजी में हमने ये ट्रॉलीज बनाई है ताकि उसमें थोड़ा मशीन का साइज कम हो जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी, तो हमने थोड़ा इसका केबिन भी स्मॉल कर दिया है और ये न्यू इन्वेंशंस किया है ताकि आपको कॉम्पैक्ट में मशीन मिल सके। और ये आपको दोनों मशीन आप लेना चाहते हो, 5000 कैपेसिटी का सेटर और 1700 का हैचर, तो ये आपको 2,65,000 प्लस टैक्सेस में मिलेंगे और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। डिलीवरी के मतलब लोकेशंस के हिसाब से आपका चार्जेस लगता है, जिसका नियर बाय है उसको कम चार्जेस लगता है, जिसको ज़्यादा दूर है उसका अलग चार्जेस होता है। तो इस मशीन को ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेशल गाड़ी करना पड़ता है, नहीं तो पार्ट लोडिंग में भी बहुत ऑप्शंस है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किसी हमारे फार्मर्स के पास, जो फार्मर हमें देख रहा है और उनके पास पर डे के 240 to 250 एग्स आ रहे, तो वो ज़रूर हमें संपर्क करें और ये मशीन लेके हमारा फार्म का अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। और इससे काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा होगा, मतलब आपका खुद का मुर्गी है और खुद का अंडा दे रहा है, तो आप ज़रूर मशीन लेके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, अदरवाइज आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। और आप देख सकते हैं अभी इसका मैं दोनों डोर क्लोज करके बता रहा हूँ, इसका सेटिंग ट्रॉली अंदर लग गया है, तो लगने के बाद आपको इसको अप कर देना है, इसको भी अप कर देना है और इसके बाद आप इसका डोर क्लोज कर सकते हैं। ये आपका सेटर लग गया और इसमें काफ़ी अच्छा आप मुनाफा कमा सकते हैं एवरी वीक के हिसाब से। वॉइस में थोड़ा सा आपको सुनाई में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि बारिश 4 दिन से कंटिन्यू हो रही है, ज़रा भी बारिश रुकी नहीं है। हमारा जो प्रियो पॉज ट्रेनिंग का जो कामकाज था वो भी अभी पॉज कर दिया है, ताकि
बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण थोड़ा डिले हो रहा है, क्षमा चाहेंगे। जल्द ही ट्रेनिंग हॉल भी कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास 10,000 कैपेसिटी का भी इंक्यूबेटर्स जो है जो बन रहा है, अभी इसका भी डिलीवरी पेंडिंग है। आप देख सकते हैं ये भी पूरा मशीन फोल्डिंग सिस्टम में है, ये पार्टी के पास जाके फिटिंग होगा, उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। उसके बाद इसका जो ट्रॉली है जो भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसका ट्रॉली इस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसका दो सेटिंग ट्रॉली है, यानी कि 10,200 की ये दो सेटिंग ट्रॉली है, और इसका ये हैचर का ट्रॉली है, इसमें हैचिंग ट्रॉली लग के आपको मशीन के अंदर फिल करना है। ये भी रेडी होने वाला है, इसका भी आपको वीडियो आने वाला है। इस फार्मर के पास जो मशीन जाने वाला है, उन्होंने सबसे पहले हमारा 275 कैपेसिटी का मशीन लिया था, और उसके बाद ये डायरेक्टली इतना बड़ा मशीन ले रहे और अपना पोल्ट्री बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, और वीडियो काफ़ी लंबी होगी। तो आपको इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि आप इंटरेस्टेड है या नहीं। उनका पूरा सक्सेस स्टोरी प्लस उनका मशीन जो हमारे फार्मर के पास जाने वाला है वो पूरा डिटेल में आपको बताने वाला है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए, और ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे हम आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।